दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की का आप वेट कर रहे थे, आंसर की भी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है, सबसे ज्यादा जो संशय बना हुआ है बच्चों का, वो ये बना हुआ है कि आखिर किस किस को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो आज उसी मुद्दे पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। जो भी दोस्तों हमने पोल करवाया था उस पोल के आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और दोस्तों आपको भी पता लग जाएगा यदि आपके दोस्तों मैं जितने नंबर बता रहा हूं इतने नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और डेफिनेटली आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। बहुत दोस्तों आपसे ये भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ है जो फिजिकल की कट ऑफ है वो 70 प्लस रहने वाली है जनरल कैटेगरी मेल की। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, इतनी ज्यादा भी कट ऑफ नहीं रहेगी। जो बोल रहे हैं ना कि फिजिकल की कट ऑफ भी 70 प्लस रहेगी, फाइनल कट ऑफ तो 85 प्लस जाने वाली है, तो ऐसा कतई नहीं है, इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ कि आखिर कट ऑफ वो क्या रह सकती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी ये बोल रहा था एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते टाइम कि मेरे तो यहाँ पर 80 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो 80 क्वेश्चन सही है, मेरे तो 85 क्वेश्चन सही है, जब उन्होंने आंसर की देखी, आंसर की से मेल कराया तो दोस्तों उनके 60-65 पे आ गए। ज्यादातर बच्चे थे जो 85-80 बोल रहे थे ना, वो 65-70 पे आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने पोल भी करवाया था जिसमें जो ज्यादातर बच्चों का स्कोर नजर आ रहा है वो लगभग 65-70 के आसपास ही है। तो जो भी ये बोल रहे हैं ना कि 80 प्लस जाने वाली है, ऐसे लोगों पे आपको ध्यान है वो बहुत कम देना है। आगे मैं आपको बता दोस्तों फिजिकल के कट ऑफ पर क्या रह सकती है। पिछली बार के मुकाबले दोस्तों मैं भी मानता हूं अब की बार का पेपर थोड़ा सा सरल था, तो अब की बार आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि 80 प्लस ही चल जाएगी, थोड़ी बहुत ज्यादा रहने वाली है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछली बार दोस्तों पोस्ट भी तो बहुत कम थी, अब की बार तो पोस्ट भी ज्यादा है, तो अब की बार दोस्तों 90,000 के आसपास कैंडिडेट को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो 90,000 दोस्तों बहुत होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आखिर फिजिकल की कट ऑफ वो क्या रह सकती है। जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, ये फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कट ऑफ बता रहा हूं, फाइनल कट ऑफ दोस्तों थोड़ी बहुत ज्यादा जा सकती है, अन्यथा फिजिकल की कट ऑफ है जो भी मैं आपको ये बता रहा हूं इसी के आसपास रहने वाली है। इसी के आसपास तो क्या दोस्तों, लगभग सेम आपको यही कट ऑफ है वो फिजिकल की देखने को मिल सकती है। तो अब चलते हैं दोस्तों कट ऑफ की तरफ। तो दोस्तों पहले मैं आपको मेल कैटेगरी का बता देता हूं। जनरल कैटेगरी मेल में यदि आपके 68 के आसपास नंबर बन रहे हैं, ये मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की बता रहा हूं, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बच्चे के नंबर भी बढ़ने वाले हैं, तो मैं फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूं। जनरल कैटेगरी मेल में यदि 68 के आसपास बन रहे हैं आपके दोस्तों, तो आप बिल्कुल सेफ हो, फिजिकल की तैयारी करो। और जनरल कैटेगरी फीमेल में यदि आपके 56 के आसपास बन रहे हैं, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी की दोस्तों पोस्ट यहां पर बहुत कम है, तो ओबीसी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। ओबीसी में मेल कैटेगरी में वही जनरल के आसपास रहेगी, 68 यदि आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो। फीमेल में यदि आप 55-56 के आसपास भी हो ओबीसी में, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी कट ऑफ कम रहेगी। ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में यदि आपके 64 के आसपास अंक बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में 51 के आसपास भी आपके अंक बन रहे हैं, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। आगे मैं आपको बता दूं, एससी मेल कैटेगरी में यदि 60 के आसपास अंक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, और फीमेल में 47 के आसपास भी अंक बन रहे हैं तब भी आप बिल्कुल सेफ हो। एसटी में यदि आपके 69 के आसपास अंक बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एसटी फीमेल कैटेगरी में यदि आपके 43 के आसपास या 44 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं, तब भी आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कट ऑफ फिजिकल की इतनी रहने वाली है, क्यों भाई? फिजिकल में दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चों को पास किया जाता है, इसलिए पास किया जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फिजिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और ज्यादातर बच्चे वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के अंदर ज्यादा बच्चों को पास किया जाता है। तो जो भी मैंने आपको एक कट ऑफ बताई है, इसी के आसपास यदि आपके अंक बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करो, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल कट ऑफ दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, लेकिन अभी जो आपका काम है वो काम है फिजिकल की तैयारी करना। तो जोर शोर से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो यदि आपके इतने अंक हैं वो बन रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके आंसर की मिलान करने के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।